जय श्री कृष्ण, जय बिहारी जी की। एक गरीब व्यक्ति बहुत मेहनत करके पैसे कमाता है और अपना एक छोटा सा मकान बनवाता है। पिछले 20 वर्षों से लगातार काम करके, मेहनत करके, स्ट्रगल करके उसने एक एक पैसा बचाया और उस पैसे से अपने परिवार के लिए एक सुंदर सा मकान बनवाया, ताकि उसका परिवार और उसके बच्चे एक झोंपड़ी से निकल कर पक्के मकान में सुखपूर्वक रह सकें। बहुत मेहनत करने के बाद उसका मकान बन गया, उसका घर बन गया। पंडित जी के पास गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त निकलवाने के लिए जाता है, तो पंडित जी ने भी एक अच्छा सा मुहूर्त भी निकाल दिया। और आपको आश्चर्य होगा ये जान करके, गृह प्रवेश करने से 2 दिन पूर्व भूकंप आ गया और उसका जो घर था वो नीचे गिर गया, ध्वस्त हो गया। जब उस व्यक्ति को ये बात पता चली कि उसका घर नीचे गिर गया है, ध्वस्त हो गया, वो दौड़कर बाजार गया और बाजार में जाकर बहुत सी मिठाई लेकर आया और मिठाइयों को लेकर उस घटना स्थल पर पहुंचा, जहां पर बहुत से लोग इस दृश्य को देखने के लिए आए, जहां पर बहुत से लोग अफसोस जाहिर करने के लिए आए कि इस बेचारे ने कितनी मजदूरी करके, कितनी मेहनत करके एक घर बनाया और देखो ये अपने घर में गृह प्रवेश भी नहीं कर पाया, यह घर तो भूकंप आने की वजह से नीचे गिर गया। वो व्यक्ति यह सब सुन रहा था। उस व्यक्ति ने अपने थैले में से मिठाइयाँ निकाली और मिठाई लेकर लोगों को बांटना शुरू कर दिया। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक तो इसका घर गिर गया जो इसने इतनी मेहनत से बनाया था, एक एक पैसा इकट्ठा करके बनाया था, और आज ये व्यक्ति मिठाई बांट रहा है। तब उसके एक मित्र ने पूछा कि क्या तुम पागल हो गए हो, एक तो तुम्हारा घर गिर गया, ऊपर से तुम मिठाई बांट रहे हो। तब उस व्यक्ति ने जो उत्तर दिया वो सुनने के लायक है। उस व्यक्ति ने कहा कि अगर ये घर 2 दिन बाद गिरता, अगर ये घर मेरे गृह प्रवेश जाने के बाद गिरता, तो आप सोचो आज मेरी पत्नी, आज मेरे बच्चे और आज मैं जीवित नहीं होते, इस संसार में नहीं होते। ये प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है, क्योंकि आप अभी तक इसका नकारात्मक पक्ष देख रहे हो, लेकिन मैं इसको सकारात्मक दृष्टि से देख रहा हूँ कि ये भगवान की कितनी कृपा है कि मेरे घर में जाने से पहले ही यह घर गिर गया। कहीं अगर घर में जाने के बाद ये घर नीचे गिरता तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहता। सो मित्रों, ये फर्क है एक सोच का। उस व्यक्ति की सकारात्मक सोच ने उसके दुख को सुख में बदल दिया। इसलिए कहने का सार है कि सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है।